हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। जैसा कि आपको पता है, हम DSSSP की तैयारी कर रहे हैं अपनी नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम के लिए, और ये जो क्लासेस हैं आपके पास CTET के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। CTET फुल जो है इसी से आएगा आपका। अब जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ हो चुका है 2023 के लिए, जुलाई में है आपका एग्ज़ाम, और फॉर्म निकले हुए हैं। जिसने फिल नहीं किया वो फिल कर देना, 26 मई जो है वो लास्ट डेट है। मैं भी फिल कर रही हूँ, मेरा क्लियर है CTET, बट मैं जो है दोबारा से दे रही हूँ कि ट्राई करते रहना चाहिए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम जो है दोबारा से दूँ। मेरे दोनों क्लियर हैं, एक ही बार मैंने दिया था, तो अब मैं जो है दोबारा से ट्राई कर रही हूँ कि दोबारा फिर से दूँ। और बाकी जो क्लासेस है भाई, उसके लिए सॉरी, 10-15 दिन से जो है मतलब काफ़ी रेगुलर हो गया, कोई मैं क्लास नहीं ले पाई, बिकॉज आपको पता है कि मैं PhD स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया था। अब मेरा जो है 4th ईयर है PhD का, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कई बार। बट आई विल ट्राई कि मैं आपको अब जो अपडेट है आपकी, जो मंडे है ना, मंडे से लेके सैटरडे तक जो मैंने टाइम टेबल बना रखा है, मैं उसको पूरा 100% फॉलो करने की कोशिश करूँगी। कभी ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगी, पोस्ट शेयर कर देती हूँ, आप समझ जाते हो। अदरवाइज़ जो है मैं क्लास ज़रूर लूँगी। संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे जो है आपके पास वो क्लास होती है। आपको पता ही है किस चीज़ की है, साइंस की है। और जो आपके पास सैटरडे क्लास में लेती हूँ, सैटरडे में लेती हूँ इंग्लिश की क्लास, तो ये दोनों क्लासेस होंगी अब आपकी रेगुलर बेसिस पे। आज है तो सैटरडे, लेकिन ये क्लास मैं साइंस की ही ले रही हूँ, क्योंकि अभी रूटीन जो है प्रॉपर बनेगा, इसीलिए जो है मैं अभी पहले साइंस को ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि 8th क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। CTET भी आ रहा है, तो ये चीज़ें हम जो है 100 मार्क्स की आपकी साइंस इसको कवर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट अस स्टार्ट आर 8th क्लास विद फुल मोटिवेशन, और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आपको कहीं भी किसी भी पेपर में देख लेना, प्रीवियस ईयर में जहां भी साइंस का है, सिर्फ NCERT आती है, क्योंकि NCERT से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1। ये देखिए आपके पास क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें आप क्या पढ़ोगे कि क्रॉप्स जो है आपके पास किस तरह से बनाई जाती है और कैसे उन्हें मैनेज करना है, तो इसके की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको वही पढ़ना है। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब भी आप कभी भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती वगैरह करते हो, तो उसमें आपको पता है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज़ होते हैं, जैसे खुरपी हो गया, सिक्कल हो गया, सिक्कल होता है दराती, खुरपी का सबको पता होगा, ठीक है, शोवल हो गया, प्लो हो गया, ये सारे हल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो इन सब का आपको पता होगा, क्योंकि किसान है हमारा जो हरियाणा है, वो आपको पता है कृषि प्रधान देश है, तो आपको तो सबको ज्ञान होगा इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ। जिसे नहीं पता उसे मैं बताऊँगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्या होती है, आप एक चीज़ को, एक ही तरह की चीज़ को अगर आप उगाते हो एक प्लेस में बहुत सारे एरिया के अंदर, उसे क्रॉप बोला जाता है। जैसे आपने गेहूं की खेती की, अभी जो है गेहूं की कटाई चल रही है, ठीक है, तो गेहूं की खेती की, गेहूं की कटाई हो ही चुकी है, अभी मार्च में ही हो जाती है कटाई, मार्च अप्रैल में, तो मार्च अप्रैल में जो है गेहूं की कटाई हुई है, आपको पता है, तो ये कटाई चल रही थी, कटाई हुई है, तो ये जो है आपके पास एक ही एरिया में आपने जो है गेहूं को उगाया, इसे बोलते हैं क्रॉप। ऐसे ही आप जो है अब राइस की, जो आपकी बारिश हो जाएगी जून जुलाई में, आप राइस की जो खेती करोगे, इसे बोलते हो पैडी क्रॉप्स, ठीक है। तो इन्हें जो है ये क्रॉप होती है, कि क्रॉप होती है एक तरह की आपको फसल उगाना, एक उसे बोलते हैं क्रॉप। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन भाई 100% आएगा, कोई भी आप एग्जाम देख लेना साइंस का, और उसमें ये क्वेश्चन ना आए यहाँ से, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास 100% आएगा, ये है आपके पास खरीफ और रबी क्रॉप्स का, ठीक है, खरीफ क्रॉप का और रबी क्रॉप्स का है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास 100% आएगा। ठीक है, सब कुछ सही है, मुझे लगा थोड़ा सा डाउट हुआ मुझे कि कहीं ये जो है आपके पास चार्ज, इसका चार्जर हट ना गया, बट ठीक है, सब कुछ ओके है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, खरीफ और रबी क्रॉप्स का रहता है। खरीफ और जो रबी क्रॉप्स है उसकी मैं आपको एक अभी एक ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक से आपको क्या करना है, इन्हें याद करना है, ठीक है, एक सेकेंड। आज काफ़ी दिन में सेटअप लगाया ना मैंने, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है ये लाइट। Now it's okay. ये देखिए खरीफ और जो रबी क्रॉप्स है ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, और इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। खरीफ को याद करना है और रबी को याद करना है आपको, तो रबी को जो है आप याद करोगे कैसे,
इसके लिए एक लाइन लिखो यहाँ पर, वाह बेटे मोज पे गया, मोज पे गया, बस मोज ऐप आई हुई है ना आजकल, तो वाह बेटे मोज पे गया। क्या याद रखोगे? आपको जो रबी क्रॉप है उसके लिए, क्योंकि रबी छोटी है तो लाइन छोटी है आपकी, और खरीफ जो है बड़ी है तो इसके लिए थोड़ी बड़ी लाइन है। रबी छोटा वर्ड है तो छोटी लाइन है। क्या है लाइन? वाह बेटे मोज पे गया, वाह बेटे मोज पे गया। और इससे याद कैसे रखोगे, अभी मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ यहाँ पर। वाह, वाह से कौन सी फसल होगी? वीट, ठीक है। बी से कौन सी फसल होगी आपके पास? बारले, ठीक है। और एम से कौन सी होगी आपके पास? मेज। और पी एम से आपके पास यहाँ पे मेज नहीं, मस्टर्ड, मस्टर्ड करो, मस्टर्ड करो उसको, ये तो उसमें चली जाएगी आपके पास, मस्टर्ड है भाई, मेज नहीं है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड सरसों की खेती। पी से क्या होगा? पीज, ठीक है। और जी से आपके पास क्या होगा? ग्राम्स, ग्राम्स मतलब चने की खेती, ठीक है। ये मैंने नोट करके रख रखा है पहले ही आपके लिए कि ये ट्रिक आपको बतानी है, ये ट्रिक जरूर याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो रबी क्रॉप जो है छोटा है तो रबी के लिए है ये, किसके लिए है ये? रबी के लिए है, क्रॉप रबी क्रॉप के लिए है ये, खरीफ के लिए नहीं है। रबी के लिए क्या है आपके पास? ट्रिप, जो ट्रिक है वाह बेटे मोज पे गया, वाह बेटे मोज पे गया। वाह से डब्लू से वीट यानी कि गेहूं की खेती। और अब आपको ये बताओ, अब तो मुझे सीजन बताने की भी जरूरत नहीं है। वीट गेहूं कब उगाए थे भैया आपने? अक्टूबर नवंबर के आसपास उगाए थे, अक्टूबर में किसी ने नवंबर में लगा लिए होंगे, यानी कि सितंबर के बाद बाद पहली जो फसल थी उसकी कटाई हुई और इसकी क्या हुई? उगाई हुई आपके पास। तो इसकी क्या करी थी आपने? इसको उगाया था कब? सितंबर के बाद, अक्टूबर या नवंबर में। तो ये जो फसल होती है ना रबी क्रॉप, ये अक्टूबर से शुरू होती है, कहीं कहीं सितंबर भी मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है खाली अक्टूबर हो। तो सितंबर से शुरू हुई और काटी कब है? किसी ने मार्च में काटी है, किसी ने अप्रैल में काटी है, तो मार्च से लेके अप्रैल तक। तो याद हो गया रबी क्रॉप का। कैसे याद रखोगे? वाह बेटे मोज पे गया, वाह बेटे मोज पे गया। वाह डब्लू से वीट, बी से बारले, एम से जो है मस्टर्ड, पी से पीस, जी से ग्राम, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है आपके पास खरीफ क्रॉप है। खरीफ के लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, इसको जल्दी से नोट करो, अगर नोट नहीं की है तो जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर मैं खरीफ की जो है ट्रिक वो लिखती हूँ, दूसरे कलर से लिखते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर लिखो, जब पेड़ में गाना बजेगा, कहाँ लिखूँ इसको मैं, थोड़ा सा स्पेस हो अच्छा सा, यहाँ लिख देती हूँ, जब पेड़ में गाना बजेगा सोया चीड़ा, पेड़ में गाना बजेगा तो सोया चीड़ा, चिड़ा बोलो या चिड़िया भी बोल सकते हो, मून पे उछलेगा। ये ट्रिक है भाई इसकी। क्या है? जब पेड़ में गाना बजेगा, भाई पेड़ में गाना बज गया, पेड़ में गाना बज गया यानी कि वाइब्रेशंस होगी, गाना बजा दिया तो आपको पता है स्पीकर के आसपास वाइब्रेशन होनी है, तो वाइब्रेशंस हो गई, सोया हुआ चिड़ा जो है वो जाग जाएगा और वो कहाँ भाग जाएगा? मून पे जाके उछलने लग जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे? जब पेड़ में गाना बजेगा सोया चिड़ा मून पे उछलेगा। ये मैं आपको ट्रिक क्यों बता रही हूँ, देखो आप ये दो चार तो याद रख लोगे, किसी को याद भी होंगी, ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो किसी को याद, याद भी होंगी, लेकिन इससे आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हो। ज़्यादा याद रखोगे तो पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो। अब इसमें भी लिखो, जब से क्या होता है भैया आपके पास? जवार। जब से क्या होता है? जवार। पी से क्या होता है? पैडी क्रॉप। पैडी ये जो आप कौन सी है, ये वाली जो अभी उसकी खेती करोगे ना आप राइस के आगे, तो वो होती है। एम से क्या होगा? मेज। जी से क्या होगा? ग्राउंड नट। अब की बार ग्राउंड नट है ये, जो भी ये फलियां वगैरह होती है इस तरीके की। और बजेगा बाजरा, ठीक है, बाजरा। तो से आपके पास होती है एक टव होती है, अगर कभी पेपर में आ जाए तो। सोयाबीन, इससे तो सीधा सोयाबीन होगी। चिड़ा से आपके पास होगी कॉटन, जो कपास की खेती होती है। मून से होंगी मूंग, जो मूंग दाल वगैरह होती है सारी सी में होती है, ठीक है। पे से आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पर एक और लिखो, मून पे जाकर आएगा, मून पे जाकर उछलेगा, तो जाकर में आपके पास आएगी जूट, जूट की, और उछलेगा से आएगी उड़द, ठीक है। ये दाल वगैरह सारी आपके पास खरीफ क्रॉप से, क्लियर। तो ये ट्रिक है आपके पास वही खरीफ की, खरीफ की लंबी है क्योंकि ये बड़ी है। जब पेड़ में गाना बजेगा
तो सोया चिड़ा मून पे जाकर उछलेगा। तब सोया चिड़ा मून पे जाकर क्या करेगा, उछलने लग जाएगा। तो जे से जवार है, पी से पैडी है, एम से क्या है मेज है, जी से ग्राउंडनट है, बी से बाजरा है, टी से तव है, एस से सोयाबीन है, सी से कॉटन है, एम से मूंग है और इससे जूट है, ठीक है, और उछलेगा से उड़द है। क्लियर। अब ये बता दो ये कब होंगी भाई, आपको पता है खेती, जब आप पैडी से याद रख लो, पैडी की खेती कब करोगे भाई, अब आप कब लगाओगे अपने राइस, कब लगेंगे ये आपके पास, अब लगेंगे जून जुलाई में आके, यानी कि ये फसल कटी है इसके लगाने का टाइम आ गया है, तो ये आपके पास जून जुलाई में यानी कि रेनी सीजन में, क्योंकि इसको पानी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो जून में लगते हैं। और उससे पहले जो आपने खेती की थी वो कब की थी, सितंबर के बाद की थी, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, तो पहली फसल कटेगी तभी, तो पहली फसल कटेगी, 6 महीने की फसल होती है अराउंड भाई आपके पास, तो सितंबर में कट जाएगी, ठीक है, 5 से 6 महीने की फसल मानो आपके पास जो इंटरवल होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी चली जाती है, तो 4 से 5 महीने की फसल मानो इंटरवल ये रहता है फसल का, ठीक है, बाकी अलग अलग डिपेंड करता है भाई कौन किस टाइम पे बोता है, बट मेन ड्यूरेशन ही होती है। तो याद हो जाएंगी, आप कभी भी खरीफ और रबी क्रॉप नहीं भूलोगे, ये हर जगह है, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में चले जाना, खरीफ और रबी से क्वेश्चन आता ही है, तभी मैंने इस पर इतना फोकस किया है, और इस चैप्टर से यही था, अब सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा जल्दी से, और चैप्टर में कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो जल्दी से अभी करते हैं हम आगे का, इसे मैं रब कर देती हूँ एक बार। वाह बेटे मौज पे गया, और जब पेड़ पे गाना बजे, जब पेड़ में गाना बजेगा तो सोया चिड़ा मून पे जाके उछलेगा। अब नेक्स्ट है भैया आपके पास, ये तो ठीक है भैया सीजन वाइज होती है, अब हमें फसल उगानी है, तो फसल कैसे उगाई जाएगी और उसको कैसे मैनेज करना, कब तक कटाई तक देखना, उगाना और काटना, तो कैसे उगती है फसल, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं और कैसे उसे काटा जाता है, वो सब देखना है इसमें। इन्हें बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या बोलते हैं इन्हें, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोली जाती है, जो आपके पास ये फसल होती है इन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हो आप। अब इसमें देखो आपको क्या करना, सबसे पहले तो भाई मिट्टी को तैयार करते हो, आपको पता है जो है हल चलाए जाते हैं, मिट्टी को तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप प्रिपेयर करोगे अपनी मिट्टी को, उसके बाद क्या करोगे बोओगे उसको, बोना क्या होता है सोइंग, उसके बाद भाई बो दिया, फिर आपको पता है खाद डालते हो, कृषि खाद डालता है, फर्टिलाइजर मैन्योर बोलते हैं इनको, फिर उसमें पानी दिया जाता है इरीगेशन, उसके बाद क्या करते हो भाई कोई आस पास में एक्स्ट्रा की कोई और चीज़ें ना उग जाए, जैसे साटी वगैरह होती है, साटी वगैरह ही बोलते हैं आई थिंक, क्योंकि हमारे घर भाई खेत नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया है हरियाणा की है, तो ये चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा का कुछ भी उगाना, आपने गेहूं की फसल बोई उसके आसपास थोड़ा बहुत ग्रीन कुछ और भी उगाते हैं कई बार, बेल वगैरह छोटी मोटी, तो वो होते हैं वीड्स, ठीक है। हार्वेस्टिंग उसके बाद होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को काटना, तो काटना उस फसल को काट दिया, काटने के बाद क्या करोगे स्टोर करोगे, तो कितनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुई भाई, 7 हुई, कितनी हुई, 7 प्रैक्टिस आपके पास टोटल। सबसे पहले क्या है आपको क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना है, उसके बाद क्या करना है सोइंग, मतलब उसमें क्या करना है आपको उगाना है, उसके बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजेशन डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, उसके बाद उसमें पानी देना है, उसके बाद उसको वीड्स से बचाना भाई कोई भी एक्स्ट्रा ना हो जिसके लिए आप स्प्रे करते हो, उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग उस फसल को काटना और स्टोर करना, आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन एक बार इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। मैं हर चीज़ डिटेल में करवाती हूँ और साथ में जो मेन होती है उसको बाद में ओवरव्यू करवा देती हूँ, लेकिन डिटेल में आपको हर एक चीज़ पढ़नी है, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अब ये देखो मिट्टी को तैयार करना भाई, आपको मिट्टी को तैयार कौन करता है, आपके पास जैसे ही फसल कट जाती है, तो फसल कटने के बाद आपके पास क्या होता है, आप उसे जो है मिट्टी को तैयार करते हो, उसकी लेवलिंग करते हो, उसकी टीलिंग करते हो, इनको अभी बताऊंगी ये क्या होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, फसल को तैयार करने से पहले जो है काटने के बाद आप उसे खाली कर देते हो और उसमें पानी दे देते हो, तो उससे क्या होता है वो जो मिट्टी होती है वो हल्की हल्की लूज लूज हो जाती है ऊपर की, और उसमें क्या होते हैं अर्थ वोम आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, मतलब ये छोटे छोटे आप कीटाणु समझ सकते हो, उन्हें याद रखने के लिए जो बारिश वगैरह में नमी की जगह आते हैं अर्थ वोम्स होती हैं, ये आपके पास 9th क्लास में जो है आपके पास प्रॉपर आएगी भी अर्थ वोम क्या होती हैं बायो के अंदर मैं पढ़ाऊंगी, और 9th 10th क्लास तो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, अगर आपको साइंस का पेपर क्लियर करना है DGT का, वो मैं खाली NCERT से करवाऊंगी भी नहीं आपको, उसे मैं एक्स्ट्रा भी करवाऊंगी, लेकिन 7th 8th के लिए आपकी NCERT सफिशियंट है, ठीक है। तो अर्थ वोम और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है आपके पास और कुछ नहीं होता, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो इसमें क्या है आपके पास, ये क्या करते हैं वहाँ पे ना पानी की जगह में, नमी की जगह में पैदा हो जाते हैं और वहीं की वहीं जो है ना मिट्टी को और लूज कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है हमारे लिए हेल्प हो जाती है, तो ये फार्मर्स के एक तरह से फ्रेंड होते हैं, ठीक है, मिट्टी को लूजन करते हैं हम और उसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, मतलब नमी प्रदान कर देते हैं।
अब आपके पास क्या है इसको करने के लिए, आपके पास कैसे क्या यूज़ करते हो आप प्रोसेस, तो उसे बोलते हैं टीलिंग या फिर प्लॉइंग। क्या बोलते हैं? टीलिंग या प्लॉइंग। याद रखो इस नाम को, ये नाम ही ध्यान रखने हैं। क्या है नाम? टीलिंग। टीलिंग आप ऐसे ध्यान रखो भाई, टाइले लगाना, एक तरह से फर्श तैयार करते हो, तो टीलिंग आप अपनी खेती तैयार कर रहे हो। और ये है प्लॉइंग, प्लॉइंग जो हल होता है ना वो, ठीक है, तो ये प्लॉइंग है आपके पास। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो टीलिंग या फिर प्लॉइंग। अब आपके पास कई बार क्या होता है, फिर भी मिट्टी मतलब कहीं जगह इकट्ठी रह जाती है, तो उसे लेवलर की हेल्प से, जो लेवलर होता है ना आपके पास, तो लेवलर की हेल्प से भी आप क्या करते हो उसे सेट करते हो। तो ये चीज़ें होती है, क्या क्या? टीलिंग, प्लॉइंग और लेवलर, ठीक है, जो लेवलिंग आप करते हो। तो प्लो क्या होता है? अब प्लो में आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, ये पुराने टाइम पे होते थे, अब नहीं है, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है भाई। इस चैप्टर में आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड भी पढ़ने हैं और मॉडर्न मेथड भी पढ़ने हैं, ठीक है। सिर्फ नाम पता होना चाहिए, आपसे कोई क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, वहाँ पे नाम पता होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल मेथड में आपका सबसे पहला प्लो, अब प्लो मैं आपको दिखाई देती हूँ क्या होता है, ये होता है भाई प्लो, ठीक है। हल तो क्या होता था, यहाँ पर देखो ये दो बीम के सहारे आपके पास ये गर्दन जो है आपके एनिमल्स, कोई भी एनिमल ले लेते थे, ज़्यादातर गायें वगैरह लेते थे, तो ये जो है गायें, कैमल और ये हॉर्स वगैरह, ये बुल इस तरीके से यूज़ किए जाते थे। तो कैमल जो है आपके पास बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बुल और गायें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। बुल सांड हो गया और गायें ही होगी, ठीक है। यहाँ पर इनके यहाँ पे जो है बीम, गायें मतलब रेयर होता है, सांड का ज़्यादा काम होता है, बुल का होता है ज़्यादातर काम, ये जो था बुल का होता था। इसमें क्या है देखो, इनके ऊपर रख देते थे, और यहाँ पर जो है ना ये पीछे ऐसा हिस्सा होता था, यहाँ पर जो है ना ये मेटल की शाफ्ट होती थी, ठीक है, मेटल होता था यहाँ पर। तो इसका नाम जो बीच वाला ये डंडा हो गया और ये हो गया, इनके अलग अलग नाम दिए गए, इसको बोलते हैं क्या? प्लोशेयर। क्या बोलते हैं? प्लोशेयर, मतलब शेयर हो रही है, ये दोनों के बीच में एक है तो शेयर हो गई है ये, तो प्लोशेयर है। और ये पूरी एक लाइन है, तो इसे बीम बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको बीम बोलो, ये वाली बीम है, ये दोनों बीम, दोनों को जोड़ रही है, तो ये बीम है, बीम की तरह, बीम का मतलब होता है सहारा देना किसी चीज़ को, तो ये बीम है। और ये शाफ्ट क्या होती है भाई, जो ये जितनी भी चक्की की चीज़ें हैं ना, टेंथ में मैं पढ़ाऊंगी भी आपको, जो ऐसे रोटेट होती हो ना चीज़ ऐसे इस तरीके की, या कोई लंबी किसी चीज़ के सहारे हो, तो उसे बोलते हो आप शाफ्ट हमेशा। क्या बोलते हो? शाफ्ट। तो ये होगी प्लो शाफ्ट, प्लो की है तो प्लो शाफ्ट। ये शाफ्ट है, जो आगे रखी है वो बीम है, और जो आपके पीछे ऐसे चल रही है सारा लग के उसे बोलते हैं शेयर, ठीक है, आगे प्लो लगा दो उनके, क्लियर। एक और इसी तरह का होता है, ये भी हल है, इसमें ग्रिप है, हैंडल है, ये बीम है, इसी तरह से दोनों के सहारे, और ये बेंट प्लेट्स ही है, ये कटाई करती हुई चलती है, बट इसका बहुत कम यूज़ है, ये कभी पूछा भी नहीं गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई जो आजकल यूज़ करते हैं, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, आजकल क्या यूज़ करते हैं भाई? कल्टीवेटर। क्या यूज़ करते हो? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर नाम ध्यान रखना, ट्रैक्टर के पीछे जो होता है ये कल्टीवेटर होता है। क्या होता है? कल्टीवेटर। और ये इक्वली हर जगह देखो, इतना इतना गैप इक्वल इक्वल होता है, तो इससे बहुत अच्छी हमारे पास बुआई होती है, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी बचता है, मेहनत भी कम लगती है, और इससे जो हमारे पास है ना इक्वल इक्वल एरिया में जो है हमारी बुआई होती है, तो बहुत बढ़िया रहता है। आजकल यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेटर, पुराने टाइम में प्लो और हो यूज़ होते थे, क्लियर, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट देखो, इससे जो है हमारे पास मिट्टी जो है लेवल हो गई, अब हमारी मिट्टी तैयार है, अब हम क्या करेंगे इसमें? सोइंग भाई, बीज डालने हैं। अब क्या डालने हैं हमें? बीज डालने हैं इसमें, बीज डालने हैं। तो बीज कैसे डालोगे भाई? पुराने टाइम में मेथड था एक फनल का, ट्रेडिशनल मेथड क्या था? फनल का। फनल क्या होती थी? फनल होती है एक तरह की कुप्पी, ठीक है, कुप्पी लेना, एक तरह की कुप्पी बोल सकते हो, जैसे तेल की कीप होती है ना, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल है आप डाल रहे, तो वो एक तरह से उसे बोलते हैं कुप्पी, ठीक है, वो फनल होती है, ठीक है, ऐसी शेप की होती है भाई फनल, फनल ये ऐसी वाई शेप। तो इसमें क्या करते थे, यहाँ से नीचे से एक दो पाइप और बना लेते थे, इसके जैसे ये बना रखे हैं यहाँ पे देखो, ये पाइप हो गया, और इसमें नीचे दो तीन एरिया में बांट दिए पाइप जैसे ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, यहाँ से बीज डालते थे और ये नीचे जाके तीन एरिया में चले जाते थे, और आगे जो होता था बुल होता था वो चल पड़ता था लेके। लेकिन ये मेथड जो था भाई इतना कामयाब नहीं था। आजकल जो मेथड है वो देखो क्या है, वो आपके पास ये वाला मेथड है सीड ड्रिल का, सीड ड्रिल का। ट्रैक्टर में ही सीधा आपके पास काम होता है, यहाँ से डाले बीज और ये आपके पास सीधा इक्वल इक्वल एरिया में आपके पास क्या होते हैं, मिट्टी में अच्छी गहराई तक चले जाते हैं आपके पास बीज। और बहुत बढ़िया मेथड है आपके पास क्या है, सीड ड्रिल का। किससे करते हो आजकल बुआई? सीड, सीड मीन्स बीज, ड्रिल मीन्स होता है किसी चीज़ का खुदाई करना, जैसे ड्रिल मशीन होती है अंदर गाड़ना किसी चीज़ को, तो ये ड्रिल हो गया। नाम ध्यान रहेगा, सीड ड्रिल, ठीक है, ड्रिल कर रही है सीड को, द
दानों को अंदर, और इससे क्या होता है हमारे पास जो हमारे ये पक्षी वगैरह थे वो खा जाते थे कई बीजों को। और वो कैसे पता लगता है, जैसे हम छोले चने वगैरह उगाते हैं तो वो कई पानी में जो ऊपर तैरते रहते हैं तो वो इसीलिए तैरते हैं क्योंकि वो थोते हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से हो जाते हैं, कई बीज जो है वो पक्षी वगैरह खा जाते हैं, तो ये भी चीज़ इससे जो है बच जाती है क्योंकि अंदर गहराई तक बढ़िया तरह अच्छे से बुआई हो जाती है उनकी। ठीक है, तो दो मेथड अभी हमने पढ़े हैं, क्या है आपके पास, एक तो हमने सोइंग पढ़ा है, एक उससे पहले मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, उसको टीलिंग बोलते हैं या फिर लेवलिंग बोलते हैं, लेवल करना या टीलिंग बोलना या फिर प्लोइंग करना। ठीक है, और उसके लिए यूज़ क्या करते थे पुराने टाइम में, प्लो यूज़ करते थे और हल को प्लो ही बोलते भाई, प्लो यूज़ करते थे और हो यूज़ करते थे। ठीक है, नाम भी ध्यान रख लो, प्लो और एक आपके पास है हो। लेकिन आज के टाइम में आप क्या यूज़ करते हो भाई, कल्टीवेटर, ध्यान रखना क्या यूज़ करते हो, कल्टीवेटर। अब फिर बुआई के टाइम पे पुराने टाइम में यूज़ होती थी फनल यानी कि कीप, और आज क्या यूज़ होती है भाई, सीड ड्रिल। याद हो गए दोनों मेथड, और कुछ नहीं याद करना। इससे पहले क्या था, खरीफ और रबी क्रॉप, खरीफ और रबी क्रॉप बस। अब नेक्स्ट देखो भाई, तीसरा प्रोसेस क्या है, हमने तो बुआई भी कर दी, अब मुझे उसमें ऐड करने हैं जो जो उसे एसेंशियल चीज़ें चाहिए, मतलब जो जो उसके लिए ज़रूरी है। जैसे हमारी बॉडी में भाई बादाम खिलाने लग जाते हैं, काजू खिलाने लग जाते हैं हमें कि हमारी बॉडी में कमी हो रही है, तो ऐसे इनमें भी कमी ना हो प्लांट्स में क्या ऐड करते हो आप, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। क्या यूज़ करते हो, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। कैसे, ध्यान रखना, मैन्योर जो मैन ने बनाया, फर्टिलाइजर जो बाहर से आया, मतलब क्या है ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन ने बना दिया था, दूसरा मैन ने नहीं बनाया, ये आर्टिफिशियल हो गया, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर में कौन बढ़िया है भाई, सबसे बढ़िया बात देखो क्या है, कौन बढ़िया है और मैन्योर कैसे बनती है और फर्टिलाइजर कैसे तैयार होता है, तो ये सारा चीज़ आपकी जो है इसी में क्लियर हो जाएगी। देखो, फर्टिलाइजर मैन मेड जो है आपके पास इनऑर्गेनिक सोल्ट है, मतलब आप इसे आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल बोल सकते हो, मतलब ये मैन ने बनाया ज़रूर है, मैन मेड ही है ये फर्टिलाइजर जो होता है, ये भी मैन मेड ही है क्योंकि बनाया तो आदमी नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है। और जो मैन्योर है ये आपके पास क्या है तो मैन का ही, लेकिन ये क्या है आपके पास, ज़रूरी नहीं मैन, इसमें ह्यूमन बींग्स को ले सकते हो आप, उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हमें छोड़ के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैन को ही छोड़ दो इसमें। ठीक है, मैन्योर में मैन को छोड़ दो, जैसे काउ डंग हो गया, गाय का गोबर हो गया, बफेलो डंग हो गया, तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, काउ का बफेलो का, ये पड़े रहते हैं तो ये सूख जाते, तो ये मैन्योर का काम करते हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये है मैन्योर। और फर्टिलाइजर क्या, जो आदमी ने बनाया लेकिन ये आर्टिफिशियल है, मतलब क्या है, इसमें आर्टिफिशियली जो चीज़ है वो ऐड की गई है। और इसमें ऐड क्या करते हैं वो मैं अभी बताऊँगी, ये आपके पास हमेशा फैक्ट्रीज़ में बनता है, और ये तो हमेशा खेतों में ही कहीं भी आप सूखा छोड़ दो गोबर को, अपने आप बन जाएगा थोड़े दिन। ये क्या होता है, ये उसे नमी प्रदान नहीं करता फर्टिलाइजर, ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया तो नुकसान भी देता है, ये नमी प्रदान करता है भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूमस तो मैन्योर डालना बहुत अच्छा रहता है। इसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं इसके मुकाबले, क्योंकि फर्टिलाइजर में भैया आर्टिफिशियल तो आपका जो मन करे वैसे बना दो, तो इसमें जो है नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फॉस्फोरस होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके पास न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं होते, इसके कंपैरिजन में कम होते हैं मैन्योर में। अब एक चीज़ और यहाँ पर होगी आपके पास काम की, वो है एनपीके। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स के कुछ नाम, तो फर्टिलाइजर भाई यूरिया है, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, अमोनियम सल्फेट है, ये एक फर्टिलाइजर है, याद रखना है, सुपर फॉस्फेट है, केमिकल के नाम है ये सारे, तो ये भी आपके पास क्या एक फर्टिलाइजर है, पोटेश है, ये भी फर्टिलाइजर है, पोटेशियम ही होता है एक तरह से। अब एनपीके, एनपीके की फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो आप क्या करोगे वहाँ पे, पता है कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, एन को बना दिया नाइट्रोजन, ठीक है नाइट्रोजन सब में मिल जाएगा, पी से आपके पास क्या हो जाएगा फॉस्फोरस, ये भी सब में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आएगा पोटेशियम, तो आपके पास जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा ना वो पता है कितने शाने होंगे, एक ये ऑप्शन है ना ऐसा देगी एनपीपी, और आप में से ना बहुत से बच्चे इसको पिक करेंगे, क्यों, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, पी से पोटेशियम, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता, पोटेशियम का फॉर्मूला जो होता है ना केमिकल, ये नेम है इनके एलिमेंट के, ये के होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन, और फॉस्फोरस की पी होती है, नाइट्रोजन की एन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पोटेशियम की रिप्रेजेंटेशन के होती है, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, तो इसको कभी भी एनपीपी पे वो मत करना, ठीक, ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
क्लियर। तो आपको फर्टिलाइजर मैन्योर डालनी है, डाल दिया। मैन मेड जो है आपके पास क्या है, वो फर्टिलाइजर्स है जो उन्होंने खुद बनाए हैं, लेकिन अपने अपने हिस्से के जो न्यूट्रिएंट है जो होने चाहिए थे वही डाल दिए। और मैन्योर क्या है, मैन्योर काउ डंग से और बफेलो डंग से बनती है, सूखा हुआ छोड़ देना, खाद होती है मैन्योर। अब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिया आपने हर बार, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है, हमारी मिट्टी इतनी बढ़िया नहीं रहती, क्योंकि बार बार उसमें फसल उगाई कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक उसमें सीजन में की खेती गेहूं की, दूसरे सीजन में आपने कर दी किसकी, चावल की, अब जो राइस की करोगे आप, ठीक है, धान की, धान लगा दी। इससे क्या होगा, गेहूं को इतना पानी नहीं चाहिए, धान को पानी चाहिए ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, जो उसमें कमी आई होगी ना वो दूसरी फसल में, उसको दूसरी चीज़ चाहिए, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, उसको पानी कम चाहिए था। तो आपके पास क्या होगा, वो उसकी मिट्टी की जो कमी है उसको पूरी करता रहेगा। तो इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ये ज़रूरी है। तो हमेशा क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, कभी पूछ ले तो। और आपके पास जो है ये चारा वगैरह, जो ये भूसे वगैरह होता है आपके पास गेहूं से निकलता है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि ये लेग्यूम्स, ये दाल वगैरह के होते हैं, सारे बीच में लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये आपके पास क्या करते हैं, इनके अंदर जो होता है ना एक नाइट्रोजन फिक्सर होता है, उसका नाम ध्यान रखना, वो राइजोबियम। ये जो आपके पास नाइट्रोजन फिक्सर का काम, अगले चैप्टर में आप बढ़िया तरह पढ़ोगे, पूरी साइकिल है वहाँ पे समझा दूँगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो मिट्टी है उसको तैयार करते हैं एक तरह से, तो ये हेल्पफुल होते हैं क्रॉप रोटेशन। दोबारा समझ लो अगर किसी को नहीं समझ में आया, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक सीजन में ऐसी फसल लगाओ जिसे कुछ और रिक्वायरमेंट है, दूसरे सीजन में दूसरी फसल लगाओ जिसे कुछ और चीज़ चाहिए, तो दोनों का क्या है, पूर्ति होती रहेगी। जैसे इसमें कोई कमी रहेगी भाई, तो अगर आप बार बार गेहूं उगाते रहोगे और बार बार या फिर राइस उगाते रहोगे, धान, तो धान को तो पानी ज़्यादा चाहिए, हर बार पानी भर जाएगा खेतों में, अब खेत और उसमें वीट में जो है सूखा पड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया हुआ, क्रॉप रोटेशन 6 महीने वो उगाएंगे, 6 महीने वो, इससे मिट्टी की जो है पूर्ति बनी रहती है, मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाती है। और मैंने और की एडवांटेज क्या है वो मैंने बताई दी, एक तो ये पानी की कैपेसिटी बढ़ाता है भाई, पोर्स बना देता है उसमें, पोर्स का मतलब होता है छेद बना देता है, ठीक है, पोरस कर देता है, जिससे गैसेज का एक्सचेंज भी आसानी से हो जाता है। पोरस का मतलब होता है छेद, और गैसेस का एक्सचेंज मतलब गैसेस एक दूसरे से आर पार हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आर पार जो चलता है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसमें जो है फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब मैन्योर के अंदर ये छोटे छोटे कीड़े नहीं होते गोबर में, तो ये ऐसे होते हैं भैया, हमारी मिट्टी को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट वाला बना देते हैं, उसको नमी प्रदान करते हैं, तो इसलिए अच्छे होते हैं। और ये सोयल का, मिट्टी का टेक्सचर भी बढ़िया बना देते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। भैया हमारे पास 3 स्टेप हो गए, पहला क्या था हमारे पास, पहले हमने मिट्टी को तैयार किया लेवलर टीलिंग की हेल्प से, ठीक है, या प्लॉइंग की हेल्प से, हल था। उसके बाद हमने उसमें डाल दिए बीज यानी कि सोइंग, उसके बाद हमने तो अब मैन्योर और फर्टिलाइजेशन भी कर दिया उसका, मतलब जो उसमें खाद पानी देना था वो भी दे दिया। अब क्या करेंगे, अब उसमें पानी दे देते हैं इरीगेशन, क्या करेंगे इरीगेशन, इरीगेशन का मतलब होता है पानी देना, ठीक है, इरीगेशन होता है पानी देना। तो पानी अब कैसे दोगे, रेगुलर इंटरवल में पानी को देना, मतलब जितने टाइम पे उसे ज़रूरत है तो पानी को देते रहना, उसे बोलते हैं इरीगेशन। इरीगेशन भाई पुराने टाइम में क्या था आपके पास, किस मेथड से होते थे, देखो वेल से, कुओं से दिया जाता था, ट्यूबवेल से, आज भी देते हैं ट्यूबवेल से, कौन से, नदियों से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, या नदियों के बीच में जो ये पानी ऐसे बहाया जाता है, इन्हें कैनाल्स बोलते हैं, जो ये बीच बीच में आपके खेतों के बीच में नहीं चलती, ये इतने इतने, पता नहीं मैं खेत में कभी गई थी किसी के ऐसे ही बीच में, तो मैंने देखा था उसमें ऐसे ऐसे इतने इतने वो कैरी बना देते, शायद कैरी बोलते उनको, उनमें से पानी चलता रहता है, पानी की कुछ ऐसी होती है, तो वो कैनाल्स होते हैं, ठीक है। पुराने मेथड बस नाम ध्यान रखना, क्योंकि एक नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है इरीगेशन का, इनमें से कौन सा मेथड है या कौन सा नहीं है। तो मोट है भैया, पुराने टाइम का पुली सिस्टम हुआ करता है, इस तरह से कुएं में से ऐसे पानी निकालना और पानी डालते रहो, तो ऐसे पानी जो है आपके पास खेत में, लेकिन इससे बहुत ही सारा सारा दिन उनका खराब भैया, और कब तक कितने दिन तक देना पड़ता पानी, है ना। चेन पंप होता था, चेन पंप देखो पुराने टाइम का सिस्टम है, ये इस तरीके का चेन पंप था, एक तरह से आप अटैच कर देते थे चेन को और यहाँ से जो पानी ऐसे खेत में पहुँच जाता था, ये घूमता रहता था चेन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है ढेकली, ढेकली में आपके पास क्या था, पेड़ वगैरह की हेल्प से आप एक सपोर्ट प्रोवाइड कर देते थे इसको, तो इससे क्या होता था पानी आपके पास डायरेक्ट जो है यहाँ से कुएं से आपके पास खेत में चला जाता था, आप जो है इसकी हेल्प से ऊपर नीचे करके बकेट को नीचे करके पानी भर लेते थे और फिर अपना खेत में पानी दे देते थे ढेकली, ठीक है। डेकली मतलब बहुत ज़्यादा होगा एक तरह से। इसमें जो है आपके पास राहत, राहत में आपके पास क्या है, एनिमल की ज़रूरत थी, ठीक है, इसमें आपके पास इसके थ्रू क्या था, ये घूमता रहता था और ये पानी खेतों में गिरता रहता था, नीचे से पानी भर गया इसमें से और नीचे गिरता रहता था,
ठीक है, इसमें एनिमल की हेल्प से भी हो जाता है और आदमी की हेल्प से भी, बस इनके नाम ध्यान रखने और कुछ नहीं आएगा पेपर। लेकिन आजकल आप क्या यूज करते हो, डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी इनको यूज करते हो और ये एफिशिएंट भी होते हैं, जनरेटर वगैरह ट्यूबवेल वगैरह इनको यूज करते हो, पानी देते जरूर ट्यूबवेल से हो लेकिन ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। और मॉडर्न मेथड में जो है आपके पास एक अलग अलग तरीके से अलग अलग फसल के अकॉर्डिंग भी पानी देने लगे हो, स्प्रिंकल है जैसे जहाँ पर पानी की कमी है तो आप क्या करते हो, देखो ऐसे एक पाइप में से कई पाइप निकाल देते हो और ऊपर क्या करते हो ये घुमाने वाले लगा देते हो, आप ऐसे रोटेटर लगा देते हो तो ये पानी हर जगह गिरता है फसल में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये रोटेटर होते हैं तो पानी पूरी फसल में गिर जाता है, पानी भी बसता है इससे, तो ये होता है स्प्रिंकल, मतलब चारों तरफ फैलाना। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, आप ये ऊपर मत लगाओ इनको, सीधा इनकी जड़ों में ही पानी दे दो, जैसे टमाटर वगैरह के पेड़ पे बेलों में देना हो तो सीधा जड़ों में पानी दे दो, उसे ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। देखो ये रहा, सीधा यहाँ से पानी जो आपके पास जड़ों में चला गया, ये जड़ों में जाता है सीधा, ये यहाँ यहाँ खुल जाती है नली इसकी, ठीक है, सीधा जड़ों में जाएगा, तो ये वहीं दिए जाते हैं जहाँ पानी की कमी है, स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम। अब भाई पानी दे दिया, अब हमें ये देखना हमारी फसल में कोई और एक्स्ट्रा की चीज़ तो नहीं उग रही, उसके लिए हम करते हैं स्प्रेइंग। क्या करते हैं स्प्रेइंग, आपको पता ही है भाई, मेरे से अच्छे से आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो किसान होंगे, तो स्प्रे, ठीक है, स्प्रे किया जाता है और ये हार्मफुल होते हैं भाई, इसमें जो केमिकल होते हैं, इसीलिए स्प्रे वाले आदमी को बहुत अच्छे से अपना जो है कवर हो गए और फेस वगैरह को, नोज वगैरह को मास्क वगैरह पहन के जब ही करनी चाहिए स्प्रेइंग, क्योंकि हमारे लिए भी नुकसानदायक है, ठीक है। तो ये वीड्स होता है, एक्स्ट्रा की कोई चीज़ उग जानी, हमें बोने खेत हैं और साथ में साटी वगैरह उग जाती हैं तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मेथड को वीडिसाइड्स भी बोलते हैं, कि वीडिसाइड कर रहे हैं, मतलब भाई स्प्रेइंग कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिकली इस टर्म को नाम दिया जाता है वीडिसाइड। अब जो है आपके पास वीडिसाइड, आप खुरपी से भी कर लेते थे भाई, छोटा मोटा हो तो खुरपी से, लेकिन आजकल क्या करते हैं, केमिकल होता है 2,4-D, नाम ध्यान रखना इसको, 2,4-D केमिकल, 2,4-D, ठीक है, 2,4-D, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, पानी को जो है स्प्रेइंग को, सॉरी जो स्प्रे है वो करते हो, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ ना हो। अब भाई हमारी फसल होगी तैयार, अब हम करते हैं उसकी कटाई, वो क्या होती है, हार्वेस्टिंग। तो कटाई करी हमने, 3 से 4 महीने ये लेती है, हमारी फसल कट गई, तो काटने के लिए हम दराती लेते हैं, या तो सिकल से काटेंगे, और सिकल से काटने के बाद आपके पास, या फिर थ्रेशर से भी काटते हैं, थ्रेशर से जो है आपके पास क्या करते हैं, उसे काटने के बाद उसे जो है अपना वो करना, थ्रेशिंग में ये होता है कि आपको सेपरेट करना, जैसे पहले तो क्या करते थे, ऐसे झाड़ झाड़ के करते थे, गेहूँ निकालना उससे, उसके पराली से कुछ ऐसा, है ना, तो उसे आजकल थ्रेशिंग से करते हैं, दराती से काट के और थ्रेशर की हेल्प से भाई कटाई कर दी, उसको कंबाइन की हेल्प से कर दिया, तो ये थ्रेशिंग कंबाइन की हेल्प से कटाई भी, और जो है आपके पास कटाई भी कर देंगे, और साथ में जो है थ्रेशिंग में तो सिर्फ हटता है, उसमें शायद तूड़ा वगैरह वो निकलता है, और कंबाइन में क्या होता है, कंबाइन का मतलब दोनों चीज़ें कर देता, कटाई भी करेगा और साथ साथ में वही फसल कट भी गई, और साथ में आपके पास फसल का क्या हो गया, छटाई भी होगी, बीज अलग निकल गए गेहूँ और तूड़ा अलग रह गया, तो ऐसा कुछ होता है भाई, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा क्योंकि हमारे घर खेत नहीं है भाई, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, एक आधी बार कभी खेत में गए, ठीक है। अब कटाई होने के बाद भाई सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, तो आपके पास क्या होते हैं, कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उससे पहले एक बार ये विनोइंग और देख लो, विनोइंग क्या होता है भाई, किसी फार्मर के पास इतना बड़ा प्योत नहीं है कंबाइन का, छोटा मोटा खेत है, छोटी मोटी खेती कर रखा है, तो वो अपना झाड़ के खुद ही कर लेता है, तो झाड़ के करना किसी चीज़ को, गेहूँ वगैरह को, जैसे ऐसे इस पर मार मार के पुलियों को ऐसे, तो झाड़ लेता है, तो उसे बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। अब देखो आपके पास जो फेस्टिवल होते हैं भाई, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, हमारी पूरे 6 महीने की जो मेहनत है वो रंग लाई, तो आपके पास कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं, आजकल तो इतना नहीं रहा, लेकिन ये देखो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सारे बिहू, ये सारे फेस्ट मनाए जाते हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स होते हैं, नाम ध्यान रखना। अब भाई हमारे गेहूँ आ गए, अब हम इन्हें कर देते हैं स्टोर, तो भाई स्टोर करने से पहले एक तो सुखा लिए जाते हैं, क्योंकि नमी रहेगी तो उनमें जो है इंसेक्ट और चूहे वगैरह ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप जाएंगे, हमारे गेहूँ हो जाएंगे खराब, ठीक है, तो उसके लिए पहले इन्हें लेते हैं सुखा, सुखाने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, फिर ये इन्हें बोलते हैं सिलोज, ठीक है, आप बोलते हो अनाज की टंकी, ठीक है, अनाज की टंकी, अनाज की टंकी जो होती है ना, ये अनाज की टंकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलोज, और ये आपके काम आएंगे किसमें, सिनोनियम्स एंटोनियम्स में, इंग्लिश में 2-3 नंबर में, तो ये इसीलिए इन टर्म्स को याद रख लेना जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपको दो लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है, तो ये हो गए सिलोजिन में स्टोर कर दिया। और कुछ कुछ आपके पास गनी बैग्स होते हैं, गनी बैग्स क्या होते हैं भाई, ये होती हैं आपके पास ये गेहूँ की बोरियाँ, ठीक है, ये जूट के बैग्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं गनी बैग्स, तो ये गनी बैग्स, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है,
और इन्हें स्टोर करके ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे गोदाम वगैरह में आपने रख लिया, और इनके अंदर आप जो है क्या करते हो, अपने घर में सिलोज में आप कुछ नीम के और कुछ जो है कपूर की गोलियां भी डाल देते हैं, जिसका जो मन करता है भाई अपना बचाने के लिए गेहूँ को, जो भी एक दो चीज़ें होती है माचिस की सिक्के वगैरह होती है, नीम की पत्तियाँ, दो तीन चीज़ें अपना डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स की भी भाई बहुत केयर होती है, उसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, उनका पूरा रहन सहन और सारी केयर उसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, जो कि अभी नहीं है इस चैप्टर में, इसमें सिर्फ प्लांट्स का बनना है। ठीक है, और एक फिश का ध्यान रखना, फिश हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर लीवर ऑयल जो होता है वो विटामिन डी से ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कभी कुछ नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी का एक छोटा छोटा पॉइंट भी वहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है, तो लीवर ऑयल जो होता है फिश का उसके अंदर क्या होती है, विटामिन डी होती है। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ करवा रही हूँ, टाइम लग सकता है लेकिन चीज़ कोई छूटेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट 8th क्लास का, कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ मंडे को, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड होगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ाऊँगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें जो है आपके पास क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे खासे हैं, ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि अब बहुत दिन बाद मैंने दोबारा से शुरू किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आपको जो है हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तक भी हम करेंगे, मैं कोशिश पूरी रखूँगी कि मैं पूरी जो है आपके पास पूरा 100% आपको दूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि सिलेबस मैं बीच में छोड़ूंगी, आपको तैयारी करनी है, तैयारी मुझे भी करनी है, मुझे भी एग्जाम देना बेटी का। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है कि मैं आपकी तैयारी बीच में छुड़वाऊंगी, भरोसा रखना एनसीईआरटी से ऊपर कभी कुछ नहीं होता, और सीटेट भी जिसने नहीं दिया वो सीटेट भी दो, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सीटेट पे ले आ रहा है तो आप TSSP का फॉर्म भर पाओगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है पेपर, मुश्किल कुछ नहीं होता है, आपके पास सीटेट भी 60 नंबर में जो है साइंस और मैथ ही तो आएगा, तो साइंस सारी एनसीईआरटी आएगी। ठीक है, ऐसे निकल जाते हैं पेपर अगर आप तैयारी करते हो तो, लेकिन तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और अच्छे से अपना खुश रह के तैयारी करो, कीप स्माइलिंग भैया, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर से, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।